हाय गाइस, दिस इज उमेश सिन्हा। हम डिस्कस कर रहे हैं टिलेज के बारे में, जिसमें से हमारे जो प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स हैं वो लगभग लगभग कवर हो चुका है। सो आज का हमारा टॉपिक है प्लॉविंग ऑफ लैंड, जो कि एक टिलेज का ही एक पार्ट है कि प्लॉविंग ऑफ लैंड, जो अपन लैंड को जो प्लाउ करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट हो या फिर सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट हो। तो जो प्लाउइंग ऑफ लैंड होता है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लाउइंग क्या होता है। द प्लाउइंग ऑफ लैंड सेपरेट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इंटू फरो स्लाइसेस। तो जो फरो स्लाइस क्या होता है, जो हमारा जो सॉइल जो कट होता है, तो जो सॉइल कट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फरो स्लाइस बोलते हैं। तो प्लाउइंग क्या हो गया, तो द प्लाउइंग ऑफ लैंड सेपरेट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इंटू फरो स्लाइस। तो जो हमारा टिलेज इंप्लीमेंट है, जो सॉइल का जो टॉप लेयर होता है उसको सेपरेट करता है कहां से, जो आपका लैंड है उससे, तो ये जो फरो स्लाइस के फॉर्म में, तो ये क्या कहलाता है, आपका प्लॉइंग कहलाता है। द फरोस आर टर्न्ड साइड वे एंड इन्वर्टेड टू ए वेरिंग डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लॉइंग बीइंग यूज। ठीक है, तो जो हमारा जिस टाइप का इंप्लीमेंट यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ पल्वराइजेशन। जो पल्वराइजेशन एक टर्म्स हम लोग डिस्कस किए थे टर्मिनोलॉजी में, तो वो क्या होता है कि जो अकॉर्डिंग टू साइज, जो क्लॉट साइज होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि पल्वराइजेशन कैसा हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आप कौन से इंप्लीमेंट यूज कर रहे हो, चाहे प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट में आप एमबी प्लाउ यूज कर रहे हो या डिस्क प्लाउ यूज कर रहे हो, सब सॉइलर यूज कर रहे हो, चीजल प्लाउ यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, जो डिग्री ऑफ पल्वराइजेशन है वो डिपेंड करेगा। तो प्लाउइंग क्या हुआ, जो हमारा इंप्लीमेंट है वो जो सॉइल का जो टॉप सरफेस होता है उसको फरो स्लाइस के फॉर्म में क्या करता है, साइड में इन्वर्ट कर देता है, पल्वराइज करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लॉइंग बोलते हैं। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज इन कनेक्शन विद प्लॉइंग ऑफ लैंड। जो प्लॉइंग ऑफ लैंड है उसके साथ कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टर्म यूज होता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि आपका फरो हो गया, फरो स्लाइस हो गया, फरो वॉल हो गया, देन आपका क्राउन हो गया, बैक फरो हो गया और डेड फरो हो गया। तो वन बाय वन इसको अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका फरो। तो व्हाट इज फरो, इट इज अ ट्रेंच फॉर्म बाय एन इम्प्लीमेंट इन द सॉइल ड्यूरिंग द फील्ड ऑपरेशन। तो फरो का जैसे कि हिंदी मीनिंग, अब जैसे जो वाटर जहां से निकलता है, फिर नाली जो होता है, फरो, जो फरो मेकिंग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फरो बोलते हैं। तो यहां भी क्या हो रहा है कि जो आपका इंप्लीमेंट जो सॉइल को कट करके टर्न कर रहा है, तो सॉइल को कट करने टर्न करने के बाद जो फरो मेकिंग होता है, एक नाली टाइप का, एक यू शेप हो चाहे वी शेप हो अकॉर्डिंग टू इंप्लीमेंट, उस शेप में एक वहां पर फरो मेकिंग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फरो बोलते हैं। इट इज अ ट्रेंच फॉर्म बाई ए इंप्लीमेंट इन द सॉइल ड्यूरिंग द फील्ड ऑपरेशन। जो सॉइल होता है उसमें कहां होगा, ये फॉर्म होगा। सेकंड आपका क्या है, फरो स्लाइस। फरो स्लाइस क्या होता है, द मास ऑफ सॉइल कट लिफ्टेड एंड थ्रोन टू वन साइड इज कॉल्ड फरो स्लाइस। जो इम्प्लीमेंट है जो सॉइल मास को कट करके जो लिफ्ट करके जो टर्न करता है, ठीक है ना, जो आपका जो सॉइल मास है कट हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है और टर्न हो रहा है, जो आपका इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो वो उसके हेल्प से, तो वो क्या कहलाता है आपका, फरो स्लाइस कहलाता है। जो आपका सॉइल मास पल्वराइज हो रहा है वो क्या हो गया आपका, फरो स्लाइस। नेक्स्ट है आपका फरो वॉल, इट इज एन अनडिस्टर्ब सॉइल सरफेस बाय द साइड ऑफ ए फरो। देखो जो इम्प्लीमेंट है हमारा, आप जब उसको टिलेज ऑपरेशन कर रहे हो उससे, तो एक तो फरो स्लाइस का फॉर्म हो रहा है, एक फरो मेकिंग हो रहा है, और जो फरो स्लाइस है वो क्या हो रहा है, आपका जो सॉइल मास है वो पलोराइज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, फरो स्लाइस बोलते हैं। तो जो उसके साइड में जो अनडिस्टर्ब सॉइल है, इट मीन्स जहां पर आपका पल्वराइजेशन नहीं हुआ है या फिर आपका इम्प्लीमेंट वहां पर ऑपरेट नहीं किए हो, तो वो वाला पोर्शन क्या कहलाता है, जो वो वाला पोर्शन है अनडिस्टर्ब सॉइल है वो आपका क्या कहलाता है, फरो वॉल कहलाता है। तो ये आप तीन टर्म हो गया, एक तो हो गया आपका फरो हो गया, दूसरा हो गया आपका फरो स्लाइस, और तीसरा क्या हो गया, फरो वॉल हो गया। तो फरो क्या होता है, जो एक वी शेप हो या यू शेप हो, जनरली यू शेप में एक फरो मेकिंग हो जाता है, जो ट्रेंच होते हैं इम्प्लीमेंट जब आप उसको ऑपरेट करोगे तो आपका फरो कहलाता है। फरो स्लाइस क्या हो गया, जो सॉइल मास टर्न हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है, फरो स्लाइस कहलाता है। और एक एक और टर्म हो गया आपका फरो वॉल। तो जो अनडिस्टर्ब सॉइल होता है, जिसमें आप टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म नहीं की हो यहाँ, या फिर जहां पर आपका इम्प्लीमेंट ऑपरेट नहीं हुआ है, वो वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका, फरो वॉल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा टर्म है क्राउन। क्राउन क्या होता है, द टॉप पोर्शन ऑफ टर्न फरो स्लाइस इज कॉल्ड क्राउन। जैसे कि ये वाला इमेज देखो आप, ये वाला इमेज में ये क्या है आपका, फरो स्लाइस है। जैसे कि यहां पर ये जो ये टर्न ये वाला है, ये सब क्या है आपका, फरो स्लाइस है। और इसको जो बीच में एक
ये वाला पोर्शन जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना फरो, तो इसको क्या बोलते हैं, फरो बोलते हैं। तो जो फरो स्लाइस टर्न हो रहा है उसके जो सबसे टॉप वाला पोर्शन है, जैसे कि ये फरो स्लाइस हो गया आपका, ये वाला देखो यहाँ पर है ना, तो ये क्या हुआ आपका फरो स्लाइस हुआ। और तो ये वाला जो टॉप पोर्शन है इसको अपन क्या बोलेंगे, क्राउन बोलेंगे। वैसे जो इससे पहले जो टर्म यूज किए, मतलब डिस्कस किए अपन, क्या चीज किए थे, एक तो फरो किए थे, फरो स्लाइस किए थे, और क्या किए थे, एक था फरो वाल। तो उसको अपन यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये जो अनडिस्टर्ब सॉइल है ना, तो अनडिस्टर्ब सॉइल है उसका ये वाला पोर्शन देखो, ये क्या कहलाता है आपका, फरो वॉल कहलाएगा। और ये क्या हो गया आपका, फरो स्लाइस हो गया। और ये क्या होगा, ये जो है ये क्या कहलाता है आपका, फरो कहलाता है। तो ये दो तीन चार जो टर्म हम लोग देखे, फरो, फरो स्लाइस, क्राउन हो गया और फरो वॉल हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या चीज, बैक फरो और डेड फरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं कि बैक फरो क्या होता है और डेड फरो क्या होता है। तो इसको ध्यान से समझना कि एक्चुअली में बैक फरो क्या होता है और डेड फरो क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम डिस्कस करेंगे कि जो मेथड ऑफ प्लॉविंग है, दो मेथड होते हैं, गैदरिंग होता है और दूसरा क्या होता है, कास्टिंग होता है। तो ये जो वहां पर आपके फील्ड में बैक फरो फॉर्म होगा या फिर डेड फरो फॉर्म होगा, ये डिपेंड करता है कि जो आपके गैदरिंग मेथड से आप प्लॉइंग कर रहे हो या फिर कास्टिंग मेथड से प्लॉइंग कर रहे हो। तो पहले हम लोग मेथड देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ प्लॉइंग होता है, एक होता है आपका क्या चीज, गैदरिंग होता है, और दूसरा क्या होता है, कास्टिंग। अब इसको ध्यान से समझना कि गैदरिंग और कास्टिंग में हो क्या रहा है। गैदरिंग में देखो, वेन एवर ए प्लाउ वर्क राउंड ए स्ट्रिप ऑफ प्लाउड लैंड इट इज सेड टू बी गैदरिंग। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि जैसे कि ये वाला इमेज आप देखो, ये वाला इमेज क्या हो रहा है कि आपका जो प्लॉविंग ऑपरेशन है वो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ है और ये इस टाइप से ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है आपका, रोटेट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये ट्रैक्टर जो दिख रहा है ये हो क्या आपका क्या चीज, फील्ड। तो अगर आप सेंटर से स्टार्ट करके आउटसाइड की ओर जाते हो, अगर आपका सेंटर टू साइड, अगर आपका जो प्लॉविंग है सेंटर टू साइड है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गैदरिंग बोलेंगे। तो और जब सेंटर टू साइड है उसको गैदरिंग बोलेंगे। और इस कंडीशन में आपका क्या होता है, बैक फरो फॉर्म होता है ना। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, बैक फरो फॉर्म होगा। पहले ये चीज क्लियर कर लो, गैदरिंग क्या होता है। गैदरिंग का मतलब होता है आपका साइड, सॉरी सेंटर टू साइड, आप सेंटर से स्टार्ट करोगे और जो प्लाउड लैंड है उसके, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वेन एवर अ प्लाउ वर्क राउंड ए स्ट्रिप ऑफ प्लाउड लैंड इट इज सेड टू बी गैदरिंग। तो ये क्या कहलाता है आपका, गैदरिंग। सेकंड क्या है आपका, कास्टिंग। कास्टिंग का डेफिनेशन क्या है, वेन एवर ए प्लाउ वर्क राउंड ए स्ट्रिप ऑफ ए अनप्लाउड लैंड इट इज सेड टू बी कास्टिंग। देखो कास्टिंग में क्या हो रहा है, ये जैसे कि आपका क्या हो गया, वर्क जहां पर ये फील्ड हो गया जहां पर आपको टिलेज ऑपरेशन करना है। तो यहाँ देखो जो ट्रैक्टर ऑपरेट हो रहा है, जैसे कि एक इंच से स्टार्ट किया है ना, ये एक इंच से ऐसे, ये एक इंच से स्टार्ट किया, फिर यहाँ, फिर ऐसे 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 करके, तो जो आपका ट्रैक्टर है वो किसके चारों ओर रोटेट कर रहा है, जो अनप्लाउड लैंड है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वेन एवर ए प्लाउ वर्क अराउंड स्ट्रिप ऑफ ए अनप्लाउड लैंड, मतलब यहां पर आपका क्या हो रहा है, जो ट्रैक्टर है वो साइड से सेंटर की ओर आ रहा है नहीं। ये अगर आपका फील्ड हो गया तो ये हो गया सेंटर ऑफ लाइन। तो आपका जो प्लॉविंग है वो कहां से हो रहा है, ये साइड टू क्या हो रहा है, सेंटर की ओर हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं। तो मेथड ऑफ प्लॉविंग क्या हो गया आपका, दो, एक हो गया गैदरिंग और दूसरा हो गया कास्टिंग। गैदरिंग में क्या हो रहा है आपका, सेंटर टू साइड जा रहा है, और कास्टिंग में क्या हो रहा है, साइड टू सेंटर आ रहा है। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि ये बैक फरो और डेड फरो क्या होता है। तो जो बैक फरो है, तो बैक फरो अरेस्ट अरेस्ट रिज लेफ्ट एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप ऑफ लैंड व्हेन प्लॉविंग इज स्टार्टेड फ्रॉम सेंटर टू साइड इज कॉल्ड बैक फरो। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो सेंटर टू साइड जो आपका प्लॉविंग होता है वो किस में होता है, गैदरिंग में होता है। तो बैक फरो कैसे फॉर्म होता है, देखो यहां पर दिख रहा है, जैसे कि ये बैक फरो जस्ट लाइक ओवरलैपिंग हो गया, यहां पर एक फरो से आपका दूसरा फरो क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। तो इस टाइप का जो फरो फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बैक फरो। तो जो बैक फरो को फॉर्म कब होता है, जब भी आपका जो प्लॉविंग हो स्टार्ट कहां से हो, सेंटर से साइड की ओर हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, बैक फरो कहलाएगा। और या फिर जो गैदरिंग होता है, यहां से आपका दोनों टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। आपका क्वेश्चन ऐसे कि अगर आपका क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का कि डिफाइन बैक फरो, तो आप बैक फरो का डेफिनेशन लिख के ये वाला इमेज, ये वाला डायग्राम वहां पर शो कर दो, ये इनफ होगा। या फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका जैसे कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आपका जो प्लॉविंग हो रहा है अगर सेंटर टू साइड है तो क्या फॉर्म होता है, आपको ऐसा ऑप्शन दे देंगे बैक फरो डेड फरो, ऐसे 4-5 ऑप्शन रहेंगे। तो हमको यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपका जो प्लॉविंग है सेंटर टू साइड हो रहा है, तो सेंटर टू साइड हो रहा है तो क्या फॉर्म होगा आपका, बैक फरो फॉर्म होता है, ठीक है। या फिर गैदरिंग जो हो रहा है तो वहां पर क्या होगा आपका, बैक फरो फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, डेड फरो। तो जैसे कि यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं
कि ये क्या चीज़ है आपका, ये जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या डेड फरो, तो डेड फरो में क्या होता है, एक लार्ज ट्रेंच फॉर्म हो जाता है लास्ट में, जब आप जो फील्ड में जो प्लॉविंग है वो अगर आप साइड टू सेंटर कर रहे हो, मतलब साइड से सेंटर की ओर जा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर ये वाला इमेज देखो, ये क्या है आपका कास्टिंग है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका कि जो आपका ट्रैक्टर है वो अनप्लाउड लैंड के चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यहाँ से हम लोग टिलेज ऑपरेशन स्टार्ट किया था और फिर ये इस टाइप से ऐसे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, मतलब साइड से सेंटर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर जब लास्ट में जो प्लॉविंग ऑपरेशन होगा तो उसमें क्या होता है कि एक लार्ज ट्रेंच फॉर्म हो जाता है, एक फरो, लार्ज फरो फॉर्म हो जाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डेड फरो। अब जनरली जो ये जो बैक फरो डेड फरो ये फॉर्म होता है आपका, जैसे कि जो एमबी प्लाउ है, तो उसमें जो एमबी प्लाउ, एक वन वे प्लाउ होता है, एक टू वे प्लाउ होता है, रिवर्सिबल प्लाउ, तो जो वन वे प्लाउ होता है या फिर सिंगल साइड वाला, तो उसमें ही ये फॉर्म होता है, जो टू वे प्लाउ होता है उसमें ये बैक फरो डेड फरो वाला प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या चीज, बैक फरो और डेड फरो। तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ प्लॉइंग में, तो ये गैदरिंग और कास्टिंग इसको डिस्कस कर लिए हैं, और ये जो प्लाउइंग लैंड हो गया कि प्लाउइंग लैंड क्या होता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हो गया आपका, फरो हो गया, फरो स्लाइस हो गया, क्राउन हो गया, बैक फरो, डेड फरो, मेथड ऑफ प्लाउइंग। सो इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं कि आपके डिस्क प्लाउ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हैं और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये डिस्क प्लाउ से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, फिर उसके बाद जो भी हमने टॉपिक कवर किया है उससे रिलेटेड कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ ऑल द डिस्क आर, तो जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ डिस्क प्लाउ में डिस्कस किया था कि एक आपका स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ था और दूसरा क्या था, वर्टिकल डिस्क प्लाउ। तो स्टैंडर्ड डिस्क में क्या होता था कि हर एक जो डिस्क है वो आपके सेपरेट सेपरेट एक्सल शाफ्ट में क्या होता था, हर एक डिस्क के लिए एक सेपरेट शाफ्ट प्रोवाइड किया था जिसको अपन क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है, इन स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ ऑल द डिस्क आर, आपके ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है फिटेड ऑन ए सिंगल शाफ्ट, सेकंड ऑप्शन है फिटेड ऑन ए सेपरेट शाफ्ट, लास्ट थर्ड ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दिस। तो स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में जो डिस्क लगा होता है वो सेपरेट सेपरेट स्टैंडर्ड में क्या होता है आपका, फिट रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इन स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ ऑल द डिस्क आर बी, फिटेड ऑन सेपरेट शाफ्ट, जो हर आपके डिस्क के लिए क्या होता है, सेपरेट सेपरेट शाफ्ट वहां पर होता है जिसमें आपका डिस्क क्या होता है, माउंट होता है। और एक चीज और चीज, जो डिस्क प्लाउ में जो बीरिंग यूज होता है उसमें किस टाइप का बीरिंग यूज होता है, टेपर्ड रोलर बीरिंग यूज होता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर यहाँ ये क्वेश्चन जनरली आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि आपका डिस्क प्लाउ में किस टाइप का बीरिंग यूज होता है, तो टेपर्ड रोलर बीरिंग यूज होता है, ये चीज ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन आपका, इन डिस्क प्लाउ द एंगल एट विच द प्लेन ऑफ कटिंग एज ऑफ डिस्क इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के साथ जो आपका एमबी प्लाउ सॉरी डिस्क प्लाउ का जो डिस्क है वो जो आपका एंगल बनाता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के साथ उसको क्या बोलते हैं अपन, तो इसमें ऑप्शन है आपका डिस्क एंगल हो गया, टिल्ट एंगल हो गया, गैंग एंगल हो गया, या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो आपका डिस्क डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है आपका, डिस्क एंगल कहलाता है, और जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है आपका, टिल्ट एंगल। और गैंग एंगल क्या होता है, गैंग एंगल जनरली जो वर्टिकल डिस्क प्लाउ हो गया या फिर जो हैरोस वगैरह होते हैं जिसमें नंबर ऑफ डिस्क जो एक ही शाफ्ट में माउंट होता है ना, वहां पर ये टर्म यूज होता है गैंग एंगल। तो जैसे कि इन टर्म्स ऑफ अगर डिस्क प्लाउ की बात करें, ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन पर अपन फोकस करते हैं, इन डिस्क प्लाउ द कटिंग एंगल एट विच द प्लेन ऑफ कटिंग एज ऑफ डिस्क इन इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डिस्क एंगल। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क एंगल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन डिस्क प्लाउ द एंगल एट विच द प्लेन ऑफ कटिंग एज ऑफ डिस्क इज इंक्लाइन टू द वर्टिकल लाइन, जैसे कि लास्ट ऑब्जेक्ट में डिस्कस किया, जो वर्टिकल लाइन से आपका डिस्क है वो अगर टिल्ट है तो वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टिल्ट एंगल बोलते हैं, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के साथ जो हमारा डिस्क एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्क एंगल बोलते हैं। और गैंग एंगल तो जो अगर एक ही शाफ्ट में बहुत सारे अगर हमारे डिस्क अगर फिटेड माउंटेड है तो वहां पर गैंग एंगल का टर्म जो है वहां पर यूज होता है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा आपका क्या चीज, टिल्ट एंगल, मतलब बी, इन डिस्क प्लाउ द एंगल एट विच द प्लेन ऑफ कटिंग एज ऑफ डिस्क इज इंक्लाइन टू द वर्टिकल लाइन, ये क्या हो जाएगा आपका, टिल्ट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन,
डिस्क एंगल ऑफ स्टैंडर्ड प्लाउ वेरीज फ्रॉम, जैसे कि अब डिस्क एंगल हो गया, टिल्ट एंगल हो गया, तो ये कितने से कितने के बीच में वेरी करता है। तो सबसे पहला क्या है आपका, डिस्क एंगल ऑफ स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ वेरीज फ्रॉम 15 to 25, सेकंड ऑप्शन है 25 to 35, थर्ड ऑप्शन है 35 to 45 और लास्ट ऑप्शन आपका 42 to 45। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा आपका, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा 42 to 45। जो डिस्क एंगल होता है स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ का वो कितना होता है आपका, 42 से 45 के बीच में वेरी करता है। और जैसे कि बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, जो 15 to 25 है, ये जो डिस्क एंग मतलब जो डिस्क प्लाउ में आपका जो टिल्ट एंगल होता है, तो टिल्ट एंगल होता है वो कितना होता है 15 to 25। जैसे कि नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इसमें यही है कि टिल्ट एंगल ऑफ स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ वेरीज फ्रॉम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ए 15 to 25, जो टिल्ट एंगल होता है। और जैसे कि एक और चीज़ है यहाँ पर कि डिस्क एंगल होता है वो, और जो टिल्ट एंगल होता है, तो ये किसका टर्म हो गया आपका, स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ का टर्म हो गया। और अगर आप वर्टिकल डिस्क प्लाउ की बात करोगे तो वर्टिकल डिस्क प्लाउ में क्या होता है, जो टिल्ट एंगल होता है वो 0 होता है, और जो वर्टिकल डिस्क प्लाउ में आपका जो डिस्क एंगल है, डिस्क एंगल वहां पर वेरी करता है 40 to 45। बट स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में आपका डिस्क एंगल कितना वेरी कर रहा है, 42 to 45। बट जो वर्टिकल डिस्क प्लाउ है वहां पर जो आपका डिस्क एंगल है वो 40 से 45 के बीच वेरी करता है। और वर्टिकल डिस्क प्लाउ में मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वर्टिकल डिस्क प्लाउ होता है वहां पर आपका जो टिल्ट एंगल होता है वो 0 होता है, इट मींस उसका जो वो वर्टिकली ऐसे माउंट रहता है, उस शाफ्ट में वर्टिकली स्ट्रेट ऐसे वर्टिकली माउंट होगा, वो वर्टिकल से किसी भी, चाहे आपका लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, वो कहीं पर क्या होगा, वो इंक्लाइन नहीं होगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इससे रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो। और यहां से जैसे कि ये आपका मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि इधर डिस्क एंगल टिल्ट एंगल ऐसा लिखा होगा, सामने आपको मैच करना होगा कि स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ का डिस्क एंगल, स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ का टिल्ट एंगल, वर्टिकल डिस्क प्लाउ का डिस्क एंगल और वर्टिकल डिस्क प्लाउ का टिल्ट एंगल, यहाँ इधर आपको ऑप्शंस दे देंगे, उसको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, या फिर ट्रू फॉल्स, क्योंकि ये सारे इस बार आपके एग्जाम जो क्वेश्चन पैटर्न है इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, तो सारा चीज हम लोग, आप सारे चीज के लिए प्रिपेयर रहना कि चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए, चाहे ट्रू फॉल्स में आए, या फिर आपका मैच द फॉलोइंग में आए। अगर ऑब्जेक्टिव उसमें आते हैं तो ये तो बहुत ही आपके पास थोड़ा ऑप्शन हो जाता है कि आप ऑप्शन देख के, या फिर थोड़ा इजिली हो जाता है कि आप एटलीस्ट अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप सामने टिक कर लोगे। बट अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अगर फिल इन द ब्लैंक्स में मिले तो एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, तो ही आपका ये क्या होगा वहां पर आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।